विधायक सूर्यकांता व्यास का आज सुबह निधन हो गया। 87 वर्षीय पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता, जिन्हें जीजी के नाम से जाना जाता था, लंबे समय से बीमार थीं। उनके बेटे शिवकुमार व्यास ने बताया कि तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आज सुबह 7 बजे महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया। सुबह करीब 7:15 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आज शाम को शिवाजी गेट स्थित शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आदरणीय सूर्यकांता जी, जिन्होंने लगभग पिछले 50 वर्ष तक जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक की राजनीति के सफर में भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को बुलंद किया, भारतीय जनता पार्टी के विचार को नीचे प्रतिपादित किया और ताउम्र भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता के नाते काम किया। उम्र के इस पड़ाव में भी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रहकर कार्यकर्ताओं के साथ अपने पारिवारिक संबंध बनाए करके रखते हुए उन्होंने 6 बार राजस्थान की विधानसभा में जोधपुर और बाद में 2 बार 4 बार जोधपुर और 2 बार सुरसागर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान सरकार की मंशा के अनुरूप अधिक से अधिक पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दिए जाने के संकल्प के साथ जोधपुर में आज 2 दिवसीय कैंप की शुरुआत हुई, जिसमें पहले दिन आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा करने की प्रक्रिया पूरी की गई। साथ ही आवेदन में कोई भी खामी डॉक्यूमेंट संबंधी नहीं रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों को व्यापक तरीके से सूचना केंद्र में आयोजित शिविर में जिला प्रशासन द्वारा गाइड भी किया गया। कल जोधपुर के SN मेडिकल कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित कर 380 लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। जोधपुर के जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप विधि विधान और नियम के अनुसार जिन लोगों को भारतीय नागरिकता दी जानी है, उनको व्यापक तरीके से पहले दिन गाइड किया गया है और कल 380 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। देखिए, राज्य सरकार की कंटिन्यूस प्रायोरिटी यही है कि जो पाक विस्थापित हैं उनको शीघ्र जो नागरिकता है वो दी जा सके तथा नागरिकता के संबंधित जो भी एसोसिएटेड बेनिफिट्स हैं वो सारे दिए जा सके। इसी के क्रम में आज और कल 2 दिवसीय ये पाक विस्थापित नागरिकता के लिए अपन कैंप लगा रहे हैं। आज के दिन तो क्या है कि एक तरीके से प्रिपरेटरी दिन है, जहाँ पे बेसिकली जो एप्लीकेशन अपने अंडर प्रोसेस में है, मान लीजिए कहीं किसी में कोई कमी पूर्ति हो, कोई डॉक्यूमेंट एडिशन लगाना हो, इस तरह के जो अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन है उनमें जो कंसर्न जो एप्लीकेंट है वो आकर अपनी जो एप्लीकेशन है उसे कंप्लीट कर सके ताकि वो आगे बढ़ सके। जोधपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला सामने आया है। दरअसल विवेक विहार थाने से मिली जानकारी के अनुसार टिपलाइन की रिपोर्ट पर सरगरों का बास नांदवाल लूनी निवासी रवि मारू पुत्र सुरेश राम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी ने 17 अक्टूबर 2022 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री शेयर और अपलोड की थी, जिसे टिपलाइन की निगरानी में पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही उसकी तलाश की जा रही है। पिछले दिनों बारिश के दौरान बनाल रोड के आसपास इलाकों में पानी के जल भराव को लेकर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई और बनाल रोड के आसपास के इलाकों में से पानी की निकासी की गई। चलाकर और दोनों निगम और JDA की टीमें लगाकर अनवरत प्रयास कर एक्चुअली अब ये बनाल रोड जो है पूरी तरह से अपनी अब ये सूखने की सिचुएशन में आई है। थैंकफुली पिछले कुछ दिनों में बारिश भी नहीं हुई है और जो ऊपर से जो पानी आ रहा था उसको भी चेक किया गया। कोर्ट के आदेश पर कलेक्टर का सरकारी वाहन कुर्क के लिए सीज। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश सिरोही के सोनू कंवर बनाम राजस्थान राज्य जरिए जिला कलेक्टर सिरोही में पारित आदेशानुसार जिला कलेक्टर सिरोही के राजकीय वाहन नंबर RJ24UA2355 को कुर्की कर न्यायालय के अधीन लिया गया है। जिला कलेक्टर सिरोही के राजकीय वाहन पर सेल अमीन जिला न्यायालय सिरोही द्वारा नोटिस चस्पा कर वाहन अपने अधीन लिया गया है। आसूज बदी श्राद्ध पक्ष के चलते पितरों के कल्याणार्थ रातानाडा और कैंपस के सामने स्थित श्री पीपलेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर के महंत श्रीधरगिरी महाराज के सानिध्य में मंदिर समिति क्षेत्रवासियों और भक्तों की ओर से 29 सितंबर तक आयोजित हो रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ।
मंदिर समिति सदस्य शशिकांत तिवारी ने बताया कि क्षेत्र के श्री सिद्ध नागेश्वर महादेव मंदिर से विधि विधान से ढोल थाली के साथ कलश यात्रा आरंभ होकर आयोजन स्थल तक पहुंची। इस दौरान सिर पर कलश धारण महिलाओं ने मंगल गीत गाए और नृत्य किया। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।